जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल्लतीफ़ साहब दामत बरकातहु मद्दज़िल्लहु अली से गुजारिश कर रहा हूँ, हज़रत तशरीफ़ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामने को नवाज़े। रब्बी इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अलहम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्या बादा। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। हज़रात गिरामी, मेरे अज़ीज़ मुकर्रम हज़रत मौलाना अनवारुल्ला फलक ने काफ़ी शाफ़ी बातें कह दी हैं, अब उन पर अमल करते हुए ज़्यादा चीखना चिंघाड़ना अजियत पहुँचाना है। मैं चाहता हूँ कि उनकी नसीहत पर बस अमल कर लिया जाए। चंद बातें बहुत देर से देवबंद के ताल्लुक से अर्ज की जाती रही हैं। मैं देवबंद का एक नुमाइंदा होने की हैसियत से मैं आपसे चंद बातें करूंगा। सबसे पहली बात मैं आपसे ये पूछता हूं, जिस कौम ने हिंदुस्तान पर लगभग 900 साल तक हुकूमत की, आज वही कौम इतनी जलीलो खार क्यों हो गई कि लोग इंतहाई गैज़ो गज़ब की नज़र से देखते हैं? आखिर वो पहलों में क्या खूबियां थीं, अब में नहीं? ये हमारे लिए एक महल्ले गौर व फिक्र है। फिर इसका कुरान करीम तदारुक क्या पेश करता है? कुरान करीम ने कहा, इन नफी खलक समावाति वल अर्ज वख्तलाफिल लैल वन नहार ला आयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीन यज़कुरून अल्लाह क़यामा वक़ूदा व अला जुनूबिहिम यतफक्करून फी खलक समावाति वल अर्ज। कुरान करीम की आयत मुबारका का मुख्तसर तर्जुमा यह है, अल्लाह तबारक ताला मुसलमानों से कहता है कि तुम अल्लाह की पैदा की हुई चीजों पर तहकीक और रिसर्च करो। तुम्हारे दिमाग अल्लाह की पैदा की हुई चीजों की तहकीक और रिसर्च से तुम्हारे दिमाग मामूर हो और तुम्हारा कल्ब अल्लाह के जिक्र से मामूर हो। ये कुरान करीम चीख चीख कर कहता रहा। कुरान कहता है, मन ऊतल हिकमता फकद ऊतिया खैरन कसीरा, जिसको हिकमत अता कर दी गई, टेक्निकल उलूमो फुनून अता कर दिए गए, गोया कि उसके दामन में दुनिया और जहान की सारी दौलतें उंडेल दी गईं। वो उम्मत जिसके बारे में कहा गया, इस उम्मत ने सांस डकार तक न ली। ये आपका मेडिकल साइंस मौका नहीं तफसील से बतलाता, जो तुम्हारे आंगन में पला और बढ़ा आपने उसे छोड़ दिया, गैरों ने अपनाया, आज पूरी दुनिया को राहत पहुंचा रहे हैं, सबको नफा पहुंचा रहे हैं। वो आला और अफजल समझे जाएंगे या आप समझे जाएंगे, बतलाइए। तमिलनाडु में 3% मुसलमान और 23% गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं। हमारे उत्तर भारत में पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर 23% मुसलमान हैं और गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर 0% हैं। ये सच है नहीं, बतलाइए आप लोग।
अगर ये सच है और ये हक है आप तस्लीम करते हैं तो आइए इसका हम और आप तदारुक करें। इसके बगैर काम नहीं चलेगा। मुसलमान इस्लामी तालीमात के साथ साथ जब तक टेक्निकल उलूम और फुनून में महारत नहीं हासिल करेगा या आगे नहीं बढ़ेगा उस वक्त तक जिल्लत और रुसवाई इसका पीछा हरगिज नहीं छोड़ेगी। मैं बहाइस्ते एक देवबंद के नुमाइंदा के आपसे मैं अर्ज करता हूं, आप इस तरफ तवज्जो कीजिए। ये मेरा मिशन, मेरी तहरीक पूरे हिंदुस्तान में मैं जा रहा हूं, अपने भाइयों को जगा रहा हूं। मैं भी देखता हूं, मेरा दिल फटने लगता है। यकीनन आपका भी यही हाल होगा। सुबह देखो तो लोगों के बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, हमारे बच्चे, मासूम बच्चे, वो कूड़ियों पर पन्नियां चुग रहे होते हैं, होटलों पर प्यालियां ढूंढ रहे होते हैं। वो हमारे मासूम बच्चे जिनके स्कूल जाने का वक्त है, उनकी उम्र है, वो हमारे बच्चे गंदे से गंदा काम करने पर मजबूर है इसलिए कि वो गरीब है। आपके पास माल की रेल पेल है, हज पर हज करते जा रहे हैं, उम्रे पर उम्रे करते जा रहे हैं। जिंदगी में एक हज फर्ज है दोस्तों, माल वाला हर साल हज करता है, उम्रे पर उम्रे करता है, गरीबों की तरफ कभी पलट करके नहीं देखता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का वाकया है, हजरत हज को जा रहे थे एक काफिले के साथ, रास्ते में देखा एक कूड़ेदान में एक नकाबपोश खातून आई और उसमें कुछ ढूंढ रही है। फिर उसमें से एक सड़ी मुर्गी मिली, उसको लेकर भागी वो, तो ये पीछे से दौड़े हजरत अब्दुल्ला और कहा, बहन ये मुर्गी सड़ी है, क्या करोगी? तो रोकर कहा, क्या करूं, मेरे बच्चे हफ्ते भर से भूखे, मैं अपने उन बच्चों का पेट पालूंगी, किसी ने हमारी खैरियत नहीं पूछी, अब मैंने सड़ी मुर्गी उठा ली तो मेरे ऊपर तुम गुस्सा कर रहे हो, अपना फतवा दाग रहे हो। हजरत अब्दुल्ला ने वो जो तोड़ा बांध रखा था कमर पर, उस वक्त जो सिक्का चलता था, वो खोल करके उन खातून के हाथ में दे दिया, कहा ये ले जाओ और तुम्हारी तीन बच्चियां हैं उनकी शादी हो जाएगी और तुम्हारा अच्छा खर्चा चलेगा, तुम अपना मकान बना लो और जरूरत पड़े हमारा ये पता है वहां से फिर ले लो। हजरत वापस आए, हज को नहीं गए। अब जब मैदान अरफात में सारे हुज्जाज जमा थे, अरफा के दिन एक बादल आया, उस बादल से आवाज आई कि अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के सिवा किसी का कोई हज कबूल नहीं किया गया है। अब साथी कहने लगे, वो तो आए भी नहीं, वो घर है, हज कबूल हुआ और जो हज करने गए उनका हज कबूल नहीं हुआ। अपने गरीबों का दोस्तों ख्याल रखो। आज इस मजलिस का निचोड़, इसका हासिल ये है, ये जलसा जब कामयाब समझा जाएगा, जब आप में कोई इस पर अमल करे, आप अपने पास पड़ोस रिश्तेदार किसी को अगर आप देखें कि बच्चा नहीं पढ़ रहा है, क्यों नहीं पढ़ रहा है, पूछें क्यों नहीं, जानबूझकर गुसात होने के मुताबिक है उसको सब कुछ फिर भी नहीं पढ़ा रहा है, नसीहत करो। अगर गुर्बत की वजह से वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है तो आप उसकी मदद करें। कोई बच्चा तालीम से न रहने पाए। मुसलमानों, ये मेरा पैगाम पूरी उम्मत के नाम है, मैं कहता हूं जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक बच्चे को पोलियो ड्रॉप पिलाया है, मुसलमानों उठो और जाओ एक एक बच्चे को तालीम पिला दो। वह आखिर दावाना अलहमदुल्ला रब्बिल आलमीन।
سے میں ہی کروا دوں. چلو بھائی دعا کر لو. اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا اللهم بارك مولانا محمد مبارك وسلم. يا اله العالمين يا رب العالمين, اے اللہ ہم سب تیرے گنہگار بندے ہیں, لیکن اے خداوند قدوس ہم اپنے گناہوں کی, اپنے پاپ کی گٹھری کو لے کر جاؤں بھی تو کہاں جاؤں. اے اللہ تیرے سوا تو کوئی در نہیں ہے. اے اللہ جیسے بھی ہیں ہم سب تیرے ہی بندے ہیں, تیری توحید کے ہم پرستار ہیں. اے اللہ تیرے رسول کو رسول اللہ, تیری کتاب کو کتاب اللہ, تیرے گھر کو بیت اللہ مانتے ہیں. اے اللہ رسول اللہ, کتاب اللہ اور بیت اللہ کے واسطے ہم سب تیری جانب دست بدعا ہیں. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم میں جن کے والدین باحیات ہیں, اے اللہ امن عافیت صحت کے ساتھ ان کی عمریں دراز فرما. ہم میں سے جن کے والدین آبا و اجداد دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, اللہ ان کی مغفرتیں فرما. اور جن کی مغفرتیں نہیں ہوئی ہیں, اللہ ان کی مغفرتیں, اور جن کی مغفرتیں ہو چکی ہیں ان کے درجات بلند فرما. اے اللہ ہم میں سے جو لا ولد ہیں ان کو اولاد عطا فرما. اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا. اے اللہ جن کے گھر میں بیٹے بیٹیاں شادی کے لائق ہیں, اے اللہ ان کے لیے معقول رشتے عطا فرما. اے اللہ مقروضوں کے قرضے ادا ہونے کے لیے خزانے غیب سے نصرت فرما. اے خداوند قدوس جو ناجائز مقدمات میں ماخوذ ہیں, اے اللہ ان کو مقدمات سے رستگاری عطا فرما. اے اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. اے اللہ سب کو رزق حلال عطا فرما. اے اللہ پورے عالم میں امن پیدا فرما. حرمین شریفین کی حفاظت فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. چیچنیا, بوسنیا, سیریا اور برما کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. پورے عالم میں امن پیدا فرما. اے اللہ ہمارے بھارت کو, اے اللہ ہمارے ملک کو امن و آستی کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ ہمارے ملک کے اوپر اے اللہ خاص اپنی رحمت عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک کے اندر آپسی بھائی چارہ پیدا فرما. اے اللہ ہمارے ملک کے اندر امن عافیت پیدا فرما. اے خداوند قدوس اس شہر کے اوپر اے اللہ اپنی خاص رحمت عطا فرما. اے اللہ اس محلے کے اوپر, اے اللہ جن لوگوں نے جلسے کا انعقاد کیا اس میں جس درجے کا بھی جس نے تعاون کیا سب کو جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ یہ ادارہ جس نے جلسہ منعقد کیا, اے اللہ اس ادارے کو درس حق اور ذکر حق کا مرکز بنا دے. یہاں کے ذمہ داروں کو اخلاص اور تمام خدام ادارہ, معاونین, اساتذہ, طلبہ, اے اللہ سب کو ان کے شایان نشان اجر عظیم عطا فرما. اللہم صلی اللہ محمد نبی الامی وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بھائی میں تمامی حضرات جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دے کر اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر ہمارے جلسے کو کامیاب بنائے, ہم تہ دل سے اراکین مدرسہ اور خصوصاً ہمارے صدر حضرت حافظ محمد اسلام صاحب اور صدر مدثرین حضرت مولانا آفتاب کی جانب سے بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمان بالخصوص ہمارے نظامت کی باغ ڈور کو سنبھالنے والے جناب حبیبی صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں. جناب دل خیر آبادی صاحب دامت برکاتہ, حضرت مولانا مزمل حیات ابرار دانش, حضرت مولانا انوار اللہ فلق صاحب, حضرت مفتی صاحب جو ہمارے اس پروگرام کے صدر تھے, اور حضرت مولانا عبداللطیف صاحب دامت برکاتہ, میں سبھی حضرات کا اراکین مدرسہ اور صدر صاحب کی جانب سے تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اور جو حضرات دور دراز سے آئے ہیں
आप हजरात को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए और आप हजरात से बार बार मदरसे में आने की दरख्वास्त है।